हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं आपको कहती कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड मैंने बनाई है आज अपनी फेवरेट पाव भाजी टिफिन के लिए, मतलब लंच के लिए। चोचू भी स्कूल जा रहे हैं एंड मैं भी मतलब बहुत अरसे बाद आज कॉलेज जा रही हूँ। तो यस, एंड व्लॉग अभी 5-6 दिन नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट मैं ठीक हूँ। एंड आज हमारे घर में मतलब घरों में ही, परिवार में ही है एक भैया की सगाई एंड फिर उनकी शादी भी है। तो पता नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी शायद, क्योंकि ना मेरी तबीयत तो छोड़ो, तबीयत तो अब ठीक है, पर मैं कॉलेज से आते आते ना गाइस थक जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊँगी आने के बाद ना यार। इसमें तो मम्मी कम पड़ेगी, इसमें फिर ना है टिफिन तो पता नहीं। अरे एक टिफिन में भाजी कर दो, एक टिफिन में पाव कर दो। देख कितना दिमाग चला रहा है गाइस ये मेरा भाई। तो तू भी तो भर के खाती है फिर। अच्छा, दीदी हमारे पास भाजी, हमारे पास ना सुबह सुबह शिमला मिर्च नहीं थी तो इसलिए मैंने सिर्फ मटर, आलू और टमाटर से बना दी, पर बहुत मस्त बन रही है। सो यस के गाइस, सो यहाँ पे पैक हो गया मेरा भी टिफिन। चोचो चला गया, उसके पापा चले गए हैं छोड़ने। एंड अब गाइज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है, लाइक अब वो अपने आप थोड़ा घूम भी लेती हैं एंड थोड़ा सा उठ जाती हैं। तो अब क्योंकि ऐसे लेटे लेटे तो प्रॉब्लम भी हो जाएगी, तो घूमना फिरना भी चाहिए थोड़ा बहुत, तो इसलिए। एंड अभी आप आज मेरे साथ देखोगे मेरा पूरा कॉलेज का दिन एंड देन वहाँ से आने वाला दिन, फिर शाम को ये सब लोग पार्टी में जाएंगे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। स्टे ट्यून गाइज। सो मैं नहा ली हूँ एंड मैं हो गई हूँ आज मैंने ब्लैक एंड मैं बस ऐसे ही जाती हूँ, मैंने अपना CTM कर लिया है एंड इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती मुँह पे। स्टार्टिंग डेज में मेरे को क्रेज़ हुआ था लिपस्टिक वगैरह लगा के जाने का, बट अब तो मेरे को मैं जितनी सिंपल रहूँ मुझे उतनी ज़्यादा पसंद हूँ मैं। एंड अब बस मैं नाश्ता करके फटाफट निकल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी फिर अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए। सो लेट्स गो। ओके गाइज, तो मैं अभी पापा मेरे को जा रहे हैं बोटानिकल तक ड्रॉप करने, पहले सिटी सेंटर तक करते थे, पर अब मतलब मैं डायरेक्ट जाती हूँ बोटानिकल से, तो अब मेरे को पापा बोटानिकल में ड्रॉप करते थे। तो यहाँ पे ना हमें वैन के लिए ऐसे टूटना पड़ता है क्योंकि वैन ना हमारी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक जाती है, ठीक है। और अब देखो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, कितने सारे बच्चे हैं, है ना, क्योंकि परीचौक तक उतरो पहले मेट्रो से, फिर परीचौक से ऑटो लो, भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है। ओके गाइस, सो मैं सुबह से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी एंड अभी ऐसा है कि हमें लाके बिठा दिया यहाँ पे सेमिनार हॉल में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब सब लोग हैं यहाँ पे एंड मुझे तो पता भी नहीं है, मेरे साथ कोई है ही नहीं आज, ठीक है। एंड तो अब यहाँ पे कुछ कुछ होगा इनकी रिचुअल्स, सो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। अनाना मैं गाइस चार्जर लाना भूल गई और मेरा फ़ोन भी ऑफ होने वाला है। समझ में तो मुझे और अब नींद नहीं आ रही। ओके गाइस, सो मजाक से हटके जो भी मतलब जो सेमिनार हॉल में हुआ था, हम स्कूल टाइम्स में बोलते थे ना वर्कशॉप वर्कशॉप, काइंड ऑफ वही था, अबाउट वर्चुअल लैब्स, ठीक है। तो अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। अभी मेरी पूरी क्लास खाली है, बच्चे गए हैं खाना वाना खाने,
मैं अपना टिफिन खा रही हूँ यहाँ पे, पाव एंड भाजी माय फेवरेट, एंड मेरी फ्रेंड्स मतलब एक फिज़ा है तो आप लोग जानते होगे शायद, जो जो मेरे स्टेटस देखते हैं वो तो जानते ही हैं। तो कैमरा के सामने हाँ, तो फिज़ा जाती है अपने फादर के पास लंच करने। सो यस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से खाने के बाद, मुझे बहुत भूख लग रही है गाइस। Okay guys, so now I have eaten my lunch and अब 10 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है हमारी वर्कशॉप लैब, तो फिर वहाँ पे जाना है। वहाँ पे ना हमें हैमर वगैरह बनाना सिखाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड मतलब वो बेसिकली मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड ड्रॉप, बट मैं किसी को बोल नहीं सकती कि आप चुप जाओ। तो वो बेसिकली मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए होती है, पर हमें भी बेसिक नॉलेज दी जाती है क्योंकि हम भी इंजीनियर बन रहे हैं इसलिए। ओके, सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है मैं इंजीनियरिंग। यहाँ से देखना है हमारी यूनिवर्सिटी का आउटर पार्ट दिखता है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, देखने में बड़ी सुंदर है और बहुत सारे सॉन्ग्स की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। मैं नीचे लिंक डाल दूँगी जिस जिस सॉन्ग की हुई है उसकी। क्या नाम है उसका? Who was in Big Boss with Himanshi? आसिम। हाँ, सो उसकी एल्बम्स हैं एंड एक दो हैं सॉन्ग्स, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। एंड अब सुनने में आ रहा है कि जो टाइगर 3 नहीं आ रही उसकी शूटिंग भी हुई है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मैं दिखाऊंगी आपको। ओके गाइस, सो ये है हमारी वर्कशॉप लैब, ये है हमारी सारी मशीन्स, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं गाइस। ये हम मतलब बनाते हैं बच्चे, हमारे तो बस की है नहीं, किसी ने बाइक भी बनाई थी देखो। तो ये सारी मशीन्स हैं और मेरे को बस एक का ही नाम याद है, विच इज़ लेथ मशीन, एंड एक ड्रिल मशीन होती है। बस अभी सर करा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। जो वर्कशॉप वाले सर हैं ना, वो फिज़ा के फादर हैं, फिज़ा और फैज़ के। ओके, सो लेट्स गो गाइस। सो अब हमारी लैब हो गई है एंड अब हमारी इंग्लिश की क्लास। मैं पहले आपसे फिज़ा को नहीं मिलवा पाई थी। फिज़ा हाय बोलो। हाय हाय। ओके, सो ये फिज़ा है गाइस, एंड फिज़ा ना अपने अब्बू की क्लास में बहुत मेंटेन होके रहती है। अब जैसे मेरा इंग्लिश का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर होने के बाद घर, टाइम हो रहा है 3:40 और इंग्लिश का लेक्चर खत्म होगा 4:40। गाइस, तो हम आ गए वापस, हमें इंग्लिश की क्लास नहीं लेनी थी, मैंने बोल दिया मेरे पेट में दर्द है, फिजा ने बोल दिया सर मैं इसके साथ ही जाती हूँ, तो ना निकल कर आ गए। एंड धूप बहुत तेज हो रही है, अब मैं जा रही हूँ घर। फिजा बाय बोल दो। बाय। आप लोग नहीं, बाय नहीं, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। आइसक्रीम खा लो गाइस, मेरा बहुत मन हो रहा था, और मम्मी अगर व्लॉग देखेंगी तो वो मेरे को डांटेंगी कि इस टाइम आइसक्रीम का क्या मतलब है, पर मेरा मन हो रहा था। ये माई यूनिवर्सिटी। सो मैं आ गई हूँ सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन। मैं मेट्रो से आई थी घर पे क्योंकि आने वाले टाइम पे ना मैं जल्दी निकल गई थी, तो कोई भी कैब वगैरह फिल नहीं हो रही थी। और गाइस मेरा ना मतलब अब यहाँ से फिर सिटी सेंटर के लिए ब्लू लाइन चेंज करो ये वो, तो फिर अभी मैं यहाँ से ना ऑटो वाले भैया से पूछती हूँ, अगर वो मेरे को 50-60 रुपए में ले जाएं घर तक तो मैं ऑटो में ही चली जाऊँगी। गाइस यहाँ से कोई भी ऑटो नहीं जा रहा था, मतलब देवर आस्किंग फॉर 200-250, तो इतना तो नहीं होता है ना, पास में ही है घर, वहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, दो स्टेशन है, तो अब आप लगा लो। फिर मैंने सोचा यार अब क्या आलस करना, चल मेट्रो में। सो हाँ जी, और देखो शाम सी हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। हे गाइस, सो आई हैव रीच्ड नोएडा सिटी सेंटर एंड लुक एट द मौसम, वेदर, शाम हो गई है ना, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। एंड टाइम हो रहा है 6 बज गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई गाइस, बहुत दिनों बाद कॉलेज गई थी मैं आज, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर पहुँचने के बाद। और मैंने बताया था ना आपको सुबह कि वो आज सगाई भी है, तो मैं देखती हूँ कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट लेट्स सी।
गई हूँ घर पे एंड इट्स बीन सो टायरिंग. फक इनके घर पे शादी है जिनके यहाँ पे लाइट्स हैं एंड वेट लेट मी रिमूव माय शूज. Okay, I've removed them. Keep it over here. Enjoy kar lo aap log bhi. And here my bhai is. Bhai, tu taiyar nahi hua? Huh? Bukhar ho rakha. Tu bhi nahi jayega? Jaunga. Bukhar mein bhi. Guys, kitna bada dhoor hai. Bukhar ho raha hai, par jaunga. Mummy kahan hai? Mummy? हेलो, हियर इज माय मॉम गाइस. बस मैं और मानी जाएंगे, बाकी सब जाएंगे. मैं थक गई हूँ ना, मन नहीं है. ओके गाइस, वेट जरा वेट. दिग्गी थक जाती हूँ गाइस मैं बहुत, और अब तो ना मैं बस नहाऊंगी कह रही हूँ, सोऊंगी क्योंकि ना मैं थक गई हूँ इसलिए. एंड व्लॉग ना ज़्यादा इसलिए शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ना ऑफ ही होने वाला है अब जस्ट, क्योंकि मेरे पास चार्जर नहीं था आज. बताऊँ कहाँ लगा के छोड़ के गई थी चार्जर? मम्मी ने चार्जर कहाँ पे छोड़ के गई थी अपना? देखो वो पड़ा, और मतलब लिटरली ये रहा. मैं भूल गई इसको ले जाना आज. चलो कोई नहीं, अब हम हाथ मुंह धो के कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, और खाने का तो मेरा कुछ दिल है नहीं, वो ही पाव ना बहुत हैवी हो रहा है मुझे, एंड फिर मैं सो जाऊंगी. सो इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पर एंड. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.